नमस्कार दोस्तों, टॉयलेट टेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बताएंगे एक कोट नीचे से जल गया तो इसको कैसे हम शॉर्ट करेंगे और कैसे ठीक करेंगे। पूरी चारों तरफ से हमको 2 इंच लेंथ शॉर्ट करनी पड़ेगी इसकी। तो इस तरह से कोई कट जाता है या कुछ भी हो जाता है कोट ब्लेजर में तो सूट में, तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्मार्ट फिट पहनना पसंद करते हैं तो चैनल को विजिट ज़रूर करें, चैनल में जाएं। इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिया है तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। इस तरह से चारों तरफ से हम निशान लगाएंगे पहले। तो दोस्तों, अगर आप नए आए हो तो चैनल में प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी का आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि आने वाले समय में आपके काम आएगी ये वीडियो। कुछ भी आप फिटिंग करना चाहते हैं तो आप पूरे चैनल को विजिट करें। तो इस तरह से मैंने दोस्तों ये सारी निशान लगा लिए चारों तरफ से 2-2 इंच में। इस तरह से बैक भी फ्रंट भी। तो निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पूरा खोल लेंगे। पूरा खोलने के बाद पलट देंगे इसको। इस तरह से मैं खोल दूंगा तो चारों तरफ से किनारे भी खोलने पड़ेंगे इसके, जो कट वाले होते हैं किनारे खोलने पड़ते हैं तो तभी ये शॉर्ट हो पाता है। इस तरह से मैंने पूरा खोल दिया है दोस्तों। थोड़ा सा खोलने में टाइम लगता है और थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही है, और तो आपके फ़ायदेमंद के लिए पूरी वीडियो अच्छी तरह से इस तरह से मैंने खोल दिया है। पूरा पलट देंगे इसको, इस तरह से पलट देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसको वो करें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का आइकन जरूर दबाएं। इस तरह से हमने ये चारों तरफ से खोल दिया है। इसमें पूरे टाँके लगे होते हैं दोस्तों, तो वो टाँके आराम से खोल देने होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये खोल दिया। ये किनारा है जो राउंड हम कैसे लेते हैं राउंड, उसको आप बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं। जैसे ही पहले राउंड ब्लेजर है तो उस तरह से कोट का राउंड आ जाता है। इस तरह से इसको पहले हल्का पानी मारेंगे, फिर इसमें प्रेस मारेंगे हम। तो प्रेस मारने के बाद हम इसको निशान लगाएंगे, वही 2 इंच में निशान लगाएंगे। पहले बाहर की तरफ से निशान लगा रखा है मैंने, तो अभी अंदर की तरफ से इसलिए निशान लगाऊंगा क्योंकि इसके अंदर की तरफ से भी वैसे सेटिंग आ जाए पूरी। और हमको नापना है जहाँ से पहले मुड़ा हुआ है, अंदर से मुड़ा हुआ है, मार्जिन इधर से बाहर कर रखा है। इस तरह से हम निशान लगाएंगे इसमें 2 इंच में। ये 2 इंच में निशान लग गया और यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच में निशान। तो पूरी वीडियो आराम से देखने लायक है। इसमें हमको पॉकेट भी शॉर्ट करनी पड़ेगी इतनी है। पॉकेट में इस तरह से सिलाई लगा देंगे, फिर कटिंग कर देंगे। इस तरह से मैंने निशान लगा के ये रखा हुआ है, ये कटिंग मैंने बना रखा है। तो इसको आप भी बना सकते हैं आराम से। इस तरह से ये होगा, ये जला हुआ है तो इसको भी हम वही निशान लगाएंगे, उसी तरह से निशान लगाएंगे। और तो फिर उसके बाद मैं आपको सिलाई करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, आराम से आप देखिए पूरी वीडियो। क्योंकि यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, जला हुआ है तो मुड़ा हुआ है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा सीधा करने में टाइम लग रहा है। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अपने सूट ब्लेज़र कोट पैंट लोअर या शर्ट कमीज शर्ट फिटिंग करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर विजिट करें एक बार, चैनल को देखें, चैनल में देखें। देखने के बाद आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो उस तरह से आप घर बैठे ही ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से राउंड लिया मैंने, आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसमें मैं सिलाई लगा दूँगा इस तरह से, आप देखिए किस तरह से मैं सिलाई लगा रहा हूँ। थोड़ा सा आराम से सिलाई लगाने होता है क्योंकि राउंड लेना है हमको इसको पूरा। इसको हाँ, इसको बाहर की तरफ को ले लेंगे थोड़ा, फिर इसको सीधा ले लेंगे, पूरी सिलाई ले लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे माताएं बहनें उनको ये वीडियो देख के कुछ भी ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि शर्ट पैंट और लेडीज़ कपड़े भी आप इसमें ऑल्ट्रेशन में मैंने डाल रखे हैं। अगर वीडियो देखेंगे तो आपको इस तरह से मैंने कटिंग कर दी दोस्तों, ये सारा काट दिया है।
और यहाँ पर से यहाँ किनारे पर बिल्कुल ही मतलब एक पैर की सिलाई छोड़नी है हमको बिल्कुल ही छोटी सी, ताकि उतना ही कट जाए। ये पूरा कर दिया। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, घंटी का आइकन ज़रूर दबा लें, तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी। आज मैं बड़ी तसल्ली से इसको बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप भी आराम से घर में ही वीडियो देख के कर सकते हैं। एक 8 या 10 मिनट की वीडियो अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आपके फ़ायदेमंद हो, इसलिए मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप ज़रूर देखें वीडियो को, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है कुछ चीज़ सीखने के लिए, तो अगर आप समय निकालें के अगर इसको देख के करेंगे तो आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और किस तरह से कटिंग करनी होती है, किस तरह से सिलाई करनी होती है। मैंने दोनों तरफ से सिलाई कर ली है इसको, और जो पीछे का भाग है उसको भी हम सेम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे और कटिंग कर देंगे। बैक से ही ओपन करते हैं हम इसको। इस तरह से मैंने कर दिया दोस्तों। ये किनारे बिल्कुल किनारे में हमने बिल्कुल मार्जिन को हम छोड़ रखा है, इसमें हम बस अब प्रेस करते हैं। इस तरह से वीडियो पूरी अगर आपने यहाँ तक के देखी है तो इस तरह से मुड़ जाता है फिर, और जहाँ जहाँ हमने निशान लगा रखे हैं बाहर की तरफ से, पहले हम पॉकेट को अंदर को करेंगे क्योंकि पॉकेट बीच में आ जाएगी नहीं तो। इस तरह से हमने वो कर दिया है, निशान के पास हमने अस्तर को भी उस तरह से सेट करना है पूरा इस तरह से। तो आपने देखी होगी वीडियो, तो इस तरह से मैंने पूरी प्रेस मार के सेटिंग आ चुकी है, और हमारे दोनों तरफ से मैंने प्रेस मार दी है और वो काट दिया है जो कपड़ा ख़राब था। इस तरह से हम ब्लेजर की सेटिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी कटा फटा हो उसकी सेटिंग हम किस तरह से करें। आप कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, कमेंट करें, मैं आपको दूसरी वीडियो बना कर दे दूँगा। ये हुई ब्लेजर की लेंथ शॉर्ट करी मैंने, क्योंकि नीचे से जल गया था इसलिए लेंथ शॉर्ट करनी पड़ी, इसलिए कम्प्लीटली दोनों तरफ से मैंने शॉर्ट कर चुका हूँ मैं इसको, और पीछे का भाग भी मैंने शॉर्ट कर दिया है। ये दूसरा भाग है। तो इस तरह से वीडियो आपको देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जो भी कोई वीडियो बने तो आप तक पहुँच जाए वो वीडियो। इस तरह से मैंने दोनों तरफ की सेटिंग कर दी है, इस तरह से मैं बैक की सेटिंग भी कर दूंगा, उसमें भी प्रेस मारनी है बस, और फिर सिलाई लगा लेंगे उसको इस तरह से जो किनारे मुड़े हुए हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब लाइक घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, अगर यहाँ तक के आपने वीडियो देखी है तो आपको आई होप पूरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।